Hey guys, welcome back to my channel and wishing you a very happy Independence Day to all of you. आज मैं ट्राई कलर की थी डिफरेंट फ्लेवर्ड राइस बना रही हूँ जो बहुत ही यमी एंड टेस्टी बनते हैं और इन्हें बनाना भी बहुत आसान होता है और बहुत जल्दी बनके ये तैयार भी हो जाते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। यहाँ पे मैंने एक भगोने में अच्छे से पानी लिया है, पानी गर्म हो गया है। अब इसमें मैं एक टीस्पून ऑयल डाल रही हूँ, एक टीस्पून नमक डाल रही हूँ, आधा नींबू का रस डाल रही हूँ, यहाँ पे मैंने 2 कप बासमती राइस लिया है, इसे मैंने अच्छे से धुल लिया है 2-3 बार, इसे पानी में डाल लेंगे। हमें चावल को यहाँ पे 90% तक कुक कर लेना है। एक बार इसे मिला लेंगे। अब हम चावल में यहाँ पे उबाल आने देंगे। ये देखिए यहाँ पे चावल में उबाल आ गया, तो अब मैं यहाँ पे चावलों को चेक कर रही हूँ। ये देखिए चावल हमारा इस तरीके से टूट रहा है, मतलब ये 90% तक कुक हो गया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी और इसे हम छान लेंगे। ये देखिए मैंने चावलों को छान लिया और इसके ऊपर नॉर्मल पानी डाल दिया है। अब इसे पहले हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है। अब मैं सबसे पहले सैफ्रन कलर में शेजवान राइस बना रही हूँ। इसके लिए मैंने पैन में 2 से 3 चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल के गर्म होते ही मैं यहाँ पर बारीक कटा हुआ लहसुन डाल रही हूँ 1 चम्मच, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक। इसे मिला लेंगे। अब हम लहसुन और अदरक को यहाँ पे हल्का सा भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। ये देखिए लहसुन और अदरक हमारा हल्का सा भून गया है, तो अब मैं यहाँ पे बारीक कटा हुआ गाजर डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिला लेंगे। हमें गाजर को यहाँ पे हल्का सा पका लेना है। ये देखिए गाजर हमारी यहाँ पे हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। अब मैं यहाँ पे 2 टमाटर की प्यूरी डाल रही हूँ, इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। नमक को यहाँ पे ध्यान से डालना है क्योंकि चावल को उबालते टाइम भी हमने नमक को डाला है और सॉसेस में भी नमक होता है, इसलिए नमक को यहाँ पे ध्यान से डालें। इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम टमाटर को यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। ये देखिए अब मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ, टमाटर देखिए हमारा सॉफ्ट हो गया है और गाजर भी हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच शेजवान सॉस डाल रही हूँ और 2 चम्मच मैं यहाँ पे टमाटो सॉस डाल रही हूँ। इसे मिला लेंगे अच्छे से। अब मैं यहाँ पे चावल डाल रही हूँ। चावलों को मैंने यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ। इसे मिला लेंगे अच्छे से। ये देखिए इसमें कितना अच्छा सा कलर आ गया है। अब हमारा सैफ्रन कलर शेजवान राइस बनके बिल्कुल तैयार है। मैं गैस की फ्लेम को यहाँ पे ऑफ कर लूँगी। अब मैं सेकेंड राइस बना रही हूँ जो है वाइट कलर राइस, जीरा राइस। इसके लिए पैन में मैं 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल लूँगी। ऑयल के गर्म होते मैं यहाँ पे 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ, 1 तेज़पत्ता, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, अगर आपके पास बड़ा है तो 1 ही डालिए, 4 लौंग और 3 छोटी इलायची। इसे हल्का सा सॉटे कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे चावलों को डाल रही हूँ, इसे अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने एकदम अच्छे से इसको मिला लिया है। अब हमारा वाइट कलर जीरा राइस बनके बिल्कुल तैयार है। मैं गैस की फ्लेम को यहाँ पे ऑफ कर लूँगी। अब मैं तीसरा कलर बना रही हूँ, ग्रीन कलर राइस, वेज फ्राइड राइस। इसके लिए पैन में मैंने 2 से 3 चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल के गर्म होते ही मैं यहाँ पे 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डाल रही हूँ, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक। इसे मिला लेंगे। अब
अब मैं यहाँ पे एक कटी हुई प्याज डाल रही हूँ। प्याज को हमें यहाँ पे हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है, बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है। ये देखिए प्याज हमारी यहाँ पे हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। यहाँ पे मैं दो बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डाल रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे कुछ ग्रीन सब्जियाँ ली हुई हैं क्योंकि मैं इसे ग्रीन कलर का बना रही हूँ। पत्ता गोभी जिसे मैंने एकदम बारीक काट लिया है, शिमला मिर्च को मैंने एकदम छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और बीन्स को भी मैंने काट लिया है, इसे डाल लेंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ पे मैं आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ और बिल्कुल थोड़ा सा नमक, इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं यहाँ पे दो चम्मच सोया सॉस डाल रही हूँ और एक चम्मच विनेगर मिक्स कर लेंगे इसे भी अच्छे से। अब मैं यहाँ पे सब्जियों को एक मिनट के लिए ढक दूंगी ताकि वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए हमारी सब्जियाँ सॉफ्ट हो गई हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा हमें गलाना नहीं है, बस हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे चावलों को भी डालूंगी, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे हल्का सा ग्रीन फूड कलर डाल रही हूँ, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसे फूड कलर के बिना भी बना सकते हैं। ये देखिए इसमें एक अच्छा सा ग्रीन कलर आ गया है। अब हमारा ग्रीन कलर राइस वेज फ्राइड राइस बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। अब मैं सबसे पहले बीच में वाइट कलर राइस जीरा राइस लगा रही हूँ। ये देखिए मैंने एकदम अच्छे से लगा लिया है। अब मैं ऊपर के साइड केसर कलर राइस शेजवान राइस लगा रही हूँ। ये देखिए मैंने एकदम अच्छे से इसको भी लगा लिया है। अब नीचे के साइड ग्रीन कलर राइस वेज फ्राइड राइस लगा रही हूँ। ये देखिए मैंने ग्रीन कलर को भी एकदम अच्छे से लगा लिया है। अब हमारे ट्राई कलर फ्लेवर्ड राइस एकदम तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।